आदिवासी किसानों के सर पर मुसीबत के बादल मंडरा रहे हैं और वह भयभीत है कि अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखल होकर पलायन को मजबूर है। दरअसल इन आदिवासी किसानों की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर उनकी खड़ी फसल को बर्बाद कर दिया है और अब रोजी रोटी के संकट से जूझ रहे आदिवासी किसान दर दर की ठोकर खाने पर मजबूर है। जंगली जीवन को छोड़ आदिवासी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और उनका सामाजिक उत्थान हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा 84 में आदिवासी परिवारों को पट्टे पर दो दो बीघा जमीन दी गई, जिससे वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके और वर्षों से इसी जमीन पर काबिज होकर खेतीबाड़ी कर गुजर बसर करते आ रहे हैं। मगर अब इन आदिवासी किसानों को दो वक्त की रोटी भी नसीब होना बहुत मुश्किल हो रहा है। दरअसल आदिवासियों की जमीन पर अब रसूखदारों की नज़रें टेढ़ी हो गई है और कुटरचित तरीके से वे उन्हें हथियाने में जुटे हुए, जिसके लिए वह खौफ का माहौल भी बनाने लगे। ऐसा ही खमरिया गांव के आदिवासी परिवारों के साथ हो रहा है, जहां के संभ्रांत परिवारों के दबंगों ने आदिवासी किसानों की खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया और ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया। हाँ सर जी, मैं यहाँ पर कलेक्टर साहब कहाँ इसलिए आया था कि मेरी जो तकलीफी है कि मेरा यहाँ पर जो फसल हमारे चाचा की फसल को पूरा तहस नहस कर दिया है, जीसीबी से बाउंड्री खींच दिया है और प्लाव बखन्नी भी कर दिया है, पूरा बिल्कुल फसल का बिल्कुल इतना नुकसान कर दिया सर कि उसमें कह नहीं सकते हैं। क्या जमीन थी, किसकी जमीन थी? मेरे चाचा नेतराम की सर जी। काय में थी, पट्टे में? हाँ पट्टे में थी सर। क्या आदिवासियों को पट्टा जमीन मिली थी? हाँ सर, पट्टे में मिली थी आदिवासी हैं सर मैं भी। तो क्या क्या दबंग लोग कब्जा करना चाहते हैं? हाँ सर, दबाव में धमकी देते हैं, जब चाहे जबकि आप यहाँ से कब्जा हटा लो नहीं तो वरना हम आप लोगों को मार देंगे या कुछ भी कर देंगे, जेल भिजवा देंगे। डरे सहमे हैं आप लोग? हाँ, हमको इस बात का डर है कि रात बरात को ये हम लोगों पे कुछ अत्याचार ना कर दे, इसलिए हम यहाँ पर कलेक्टर साहब कहाँ सुनवाई के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? धनीराम। मेरे लिए साहब वो तो सिपाही लोग गए प्लस गए ट्रैक्टर, दो ट्रैक्टर गए साहब, जी आई सही गई वाह साहब, बिल्कुल फसल खड़ी फसल में साहब ट्रैक्टर चले हैं साहब, जी सही गई वो तो गई बाप वो मशीन सब लोग गड्ढा है घेर हम सब लोग खुदवा डाले साहब बिल्कुल। क्यों क्यों मशीन चलाई है, क्यों खड़ी फसल को नाश किया? अरे साहब, ये कमलेश मिश्रा ने साहब धमकी दिया दिया है साहब, मेरी यहाँ से नाश करो साहब, हमारे लड़का बच्चा रो रहा है साहब बिल्कुल, हम का करें का खाएं साहब, हम तो मरन हैं साहब, हमारी तो बहुत परेशान है साहब, हम खड़ी फसल पे पूरी खड़ी फसल में साहब ट्रैक्टर चलवा दे साहब, प्लाव चलवा दो फिर हम बाउंड्री बना दो हमारी, हम और घर का पैसी तो बिल्कुल पूरी 2 एकड़ में जग साहब बिल्कुल चचरा करवा डालो वहाँ। क्या नाम है आपका? नेतराम साहब मेरा। कहाँ से? हमारिया मंगवान का। हमारिया अपनी ज़मीन जाने और खड़ी फसल के बर्बाद होने से ये आदिवासी किसान भयभीत और डरे सहमे हैं। ऊपर से दबंगों द्वारा उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, जिससे ये पलायन को मजबूर हो रहे हैं। ऐसे हाल में इन आदिवासियों पर रोजी रोटी का भी संकट आ गया और प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने कलेक्टर की चौखट पर आने को मजबूर होना पड़ रहा है। खमरिया ग्राम में रहता हूँ, जिला नरसिंहपुर, आदिवासी हूँ मैं और सारे लोग जो 50 लोग जो आदिवासी हैं, जो मजदूर हैं, किसान हैं, उसको पट्टे द्वारा 5-5 एकड़ 2.5-2.5 एकड़ उसको दिया गया है। उसने प्लाऊ से, दोनों प्लाऊ से फसल को गड़ा दिया, जीसी से टेंच खुदवा दिया घेर पार, और धमकी भी देता है वो कमलेश मिश्रा कि तुमको ऐसा कर देंगे, हम गाड़ी चगा देंगे, वो कर देंगे तुमको, वो घर छोड़ दो, वो जगह छोड़ दो। तो हमने कही हम नहीं, हम आदिवासी, हम बच्चों को कहाँ पालेंगे, कहाँ मजदूरी जाएंगे करने के लिए, हम उसी को खेत को करेंगे और खाएंगे। कितनी एकड़ जमीन की? वो 5 एकड़ है, 2.5-2.5 एकड़ सर। सारे किसानों के जी जैसी भी चलाई गई है पूरे किसानों पे सर, और धमकी भी दी गई खड़ी फसल को नष्ट कर। हाँ, रबी और नेतराम गोंड। आदिवासी नेता भी किसानों के साथ अत्याचार को लेकर चिंतित है और इसके लिए वह सरकारी सिस्टम को दोष दे रहे हैं और इन गरीब आदिवासी अन्नदाताओं के साथ हो रहे जुल्म को लेकर आंदोलन का मन बना रहे हैं ताकि सोए हुए सरकारी तंत्र को जगाया जा सके। सुनवाई हुई है और क्या पूरा मामला है? मैं हूं प्रकाश सिंह दुर्वे, गौड़वाना गणतंत्र पार्टी से जिलाध्यक्ष हूं। कुछ किसान जो है मेरे पास में पहुंचे 30 तारीख की शाम को, उन्होंने बताया कि हमारी फसल में जेसीबी और प्लाव चलवा दिया गया है। तो मैंने इनसे कारण पूछा कि कारण क्या है, तो इन्होंने बताया कि कुछ लोग वहाँ, कोई मिश्रा जी हैं, भगवान दास मिश्रा जी हैं, तो उन्होंने जबरन कब्जा करने के चक्कर में जो 50 साल से वहाँ पे काबिज हैं किसान, उनको वहाँ से खदेड़ा जा रहा है। गरीब हैं,
मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार बदलने के बाद में और नई सरकार शासन का इतना कहर बरपा है इन गरीबों पे कि एक तरफ ये कहते हैं कि कर्ज माफ़ी करेंगे, एक तरफ कर्जा माफ़ की बात करते हैं, दूसरी तरफ ज़मीन साफ की बात कर रहे हैं। तो वो कांग्रेस के लीडर भी हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा शासन प्रशासन से कि इन गरीबों पे इतना जुल्म ना किया जाए, जिससे कि खड़ी फसल पे टोटल उसमें गन्ना था, आपका चना था, मसूर और आलू और गेहूं और आपका धना था, ये सारी फसल पे उन्होंने प्लाव चलवा करके पूरी फसल को नष्ट कर दिया गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा शायद ये तो शासन प्रशासन को इस समय में कोई नापतोल नहीं करना चाहिए और किसी की खड़ी फसल पे प्लाव चलाने का शायद अधिकार तो नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ शासन से। तमाशा बीन बना जिला प्रशासन तक जब पीड़ितों ने अपनी गुहार पहुँचाई तो उन्हें अब आदिवासियों के दर्द का एहसास हो रहा है और पूरे मामले को संज्ञान में लेकर विधि संगत कार्रवाई का भरोसा दिलाया जा रहा है। मैडम कुछ आदिवासी किसान आए हुए थे जिन्हें 1984 में पट्टा भी दिया गया था, अब कुछ दबंग लोग उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और उनकी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर वगैरह चलाया है। अभी कुछ देर पहले ये कुछ किसान आए थे, उन्होंने ज्ञापन सौंपा, उनका ये कहना था कि उनके खेत में गेहूं की और चना की फसल खड़ी हुई थी, कुछ लोगों द्वारा वो भूमि को खोदा गया है, इस संबंध में जो भी आगामी कार्रवाई होगी वो आगे हम जांच के लिए भेज देंगे। क्या मैम किसी भी किसान की खड़ी फसल को ऐसे किया जा सकता है? नहीं ऐसे तो नहीं किया जा सकता है, पर हमको देखना पड़ेगा मामला क्या था, उसके बाद ही हम आगे बता पाएंगे। आदिवासियों की अनदेखी का खामियाजा कई प्रदेशों की सरकार अब तक भुगतती आ रही और ऐसे हाल में नक्सलवाद जैसी सामाजिक कुर्तियों का जन्म होता है। ज़रूरत है ऐसे संवेदनशील मामलों में समय रहते संवेदना दिखाते हुए पीड़ितों को न्याय मिले, जिससे वह स्वाभिमान पूर्वक जीवन यापन कर सके।